गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंटन सो गाइज कल ब्लॉग ही नहीं करना हुआ कल क्या परसों भी मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया कल भी ब्लॉग नहीं शूट किया मतलब uh, कल तो ब्लॉग आया है नहीं आपको तो पता ही है और कल का ब्लॉग आ जाता तो कल भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आपको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम हुए थे तो इसी वजह से मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया और आप लोग भी वेट करते हो यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कल का दिन इतना खराब गया मेरा कि मैं इनको भी बोल रही थी कि यार मुझे अजीब सा ही लग रहा है आज मैं ब्लॉग नहीं डाला ना मैंने अजीब सा ही लग रहा है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कल इन्होंने कुछ शूट कर लिया था कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने सोचा चलो आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ तो आप आगे की क्लिप देख लीजिए उसके बाद बात करती हूँ मैं आपसे गाइस बारिश चल रही है और इनको बनाने थे पकौड़े मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो यही बनाने वाले थे इसी वजह से इन्होंने लिया पकौड़ों का और बनाने लग गए क्योंकि बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है तो यहाँ पर इन्होंने बेसन लिया है उसमें अजवाइन डाल दिया है उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और उसके बाद थोड़ी सी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और क्या क्या डालेंगे तो थोड़ा सा वो डाल देंगे और उसके बाद एक मेन इंग्रीडियंट डालेंगे जो क्रिस्पी बनाएगा अपने पकौड़ों को और ये आ, क्या बोलते हैं उसके पकोड़े होने वाले हैं प्याज के लंबा लंबा प्याज काट के रखा है इन्होंने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा और थोड़ा सा हल्का सा सोडा डाल दिया है जो बेकिंग सोडा होता है वो वो डाल दिया है और उसके बाद नमक ऐड कर रहे हैं नमक ऐड करने के इसमें ऐड होगा इसका चावल का आटा चावल के आटे से ना जो आपके पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे इन्होंने थोड़ा सा चावल का आटा ज़्यादा ही डाल दिया था थोड़ा सा कम डालना इन्होंने जितना डाला था इतने बेसन के लिए और बस यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद डालेंगे क्या बोलते हैं तो पानी डाल के मिक्स कर रहे हैं उसके लम्ब निकाल रहे हैं और उसके बाद उसमें जो लंबे लंबे पैच काट के रखे हैं पैच ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम लोग पैच के पकौड़े बनाने वाले हैं और अगर आप आलू के पकौड़े बना रहे हो तो आलू डाल दीजिए वैसे पैच के पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब से बारिश स्टार्ट हुई थी तब से इनका चल रहा था कि पकोड़े खाने का मन कर रहा है पकोड़े खाने का मन कर रहा है बट यह है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है फिर और कौन बनाएगा फिर इन्होंने सोचा चलो मैं ही आप लोगों को खिलाता हूँ तो मैं आराम से बैठ गई थी ये बोले कि आराम से आप बैठ जाओ तो मैं वहाँ पर भी नहीं बैठी थी मैं आराम से सोफे पर जाके लेट गई थी और उसके बाद इन्होंने बनाए और फिर हम लोगों को खाने के मिले और बहुत लेट बनाए थे एक्चुअली यहाँ पर डाल दिया है क्या बोलते हैं तो प्याज डाल दिया है और उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर दिया है उसमें और वो बैटर रख दिया है साइड में यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं वो पापड़ क्योंकि ये मम्मी ने पापड़ दिए थे ना तो ऐसे ही पड़े थे इसको डब्बे में भी डालना नहीं हुआ था तो अभी मैंने सारी चीज़ें निकाली है तो उसमें मुझे ये पापड़ दिख गए तो मैंने अभी डब्बे में अच्छे से रख दिए और काफ़ी तरह के पापड़ दिए हैं मम्मी ने मैंने मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको आ, वो स्टोर रूम टूर दूंगी ना उस टाइम दिखाऊंगी काफ़ी तरह के पापड़ बनाती है मम्मी और सारे के सारे वैरायटी के पापड़ मुझे दे दिए थे मम्मी ने थोड़े थोड़े करके मैंने उनको बोला था थोड़े थोड़े देना नहीं तो मेरे यहाँ पे खराब हो जाता है यार जल्दी से मुझे याद नहीं आता है कि ये करो वो करो ये फ्राई करो फिर फ्राई तो करती नहीं हूँ मैं ज़्यादा बट अभी इन्होंने तेल रख ही दिया था तो फ्राई कर दिया और पापड़ अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए वैसे और यहाँ पर पकोड़े बना लिए तो पकोड़े इस तरह से बनाए हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है इस तरह से अगर आप पकोड़े बनाते हो तो मतलब थोड़ा सा उसमें चावल का आटा ऐड कर दो आ, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और जेंट्स जब भी कुछ बनाते हैं तो परफेक्ट तो बनता नहीं है मतलब कभी कभी जैसे नॉनवेज परफेक्ट बनाते हैं ये तो ये ऐसी चीज़ें तो परफेक्ट बनती नहीं है तो थोड़ा सा तेल पकड़ लिया था पकोड़ों ने देखो अभी आप देख रहे हो ना तेल पकड़ लिया था वो क्यों हुआ था वो भी बता देती हूँ जैसे प्याज ना ये छोड़ता है अपना पानी छोड़ता है तो सब पहले ही आपको प्याज के जब पकोड़े बनाते हो आप पहले ही आपको पानी कम डालना पड़ता है बट इन्होंने पहले ही अच्छा खासा पानी डाल दिया उसके बाद फिर प्याज डाल दिया और फिर वो पानी छोड़ने लगा प्याज तो देखो कंसिस्टेंसी ज़्यादा ही पतली हो गई थी तो इसी वजह से ये थोड़ा सा तेल पकड़ रहा है तो कोई बात नहीं अभी होता है ये और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा डाल दिया था ये देखो कैसे बनाते हैं हलवाई स्टाइल में वैसे ना जेंट्स ये बना के खिलाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं बट कुछ कुछ कभी कभी कम ज़्यादा हो ही जाता है होता है सबसे होता है तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बन गए हैं और आप भी आ जाइए मन तो कर ही रहा होगा सबका खाने का तो आप भी आ जाइए खाने के लिए क्योंकि मैं भी कब से वेट कर रही थी और ये मतलब जब भी जेंट्स खाना बनाते हैं तो जल्दी तो मिलेगा नहीं है आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा तो इतनी देर से जब वेट करने लगी तो जब खा मतलब खाने बैठी ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं गया मतलब थोड़े से दो चार पकोड़े खाए और बस हो गया उतने में ही और खाना भी नहीं खाया था मैंने वैसे भी मेरा पेन कर रहा था तो खाना भी नहीं खाया था और बनाया भी नहीं था रात को खाना बस इतना पकोड़े बनाए थे इन्होंने बस पकौड़े ही हम लोगों ने खा लिए थे तो ये देखो यहाँ पर मिर्च के भी पकौड़े रेडी है मिर्च को क्या करना है बस जो हमारा बेसन का घोल है उसमें घोल लेना है और बस उसको फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर इनके ये मिर्च के पकौड़े भी रेडी है तो बस तेल बचा था थोड़ा सा तेल देखो कितना ज़्यादा पिया है पकौड़े ने तो यहाँ पर पकौड़े रेडी है मिर्च के पकौड़े और उसके पकौड़े और यहाँ पर है क्या बोलते हैं पापड़ चलिए अभी खा लेते हैं ये और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे और अगर आपका मन कर रहा है पकोड़े खाने का तो जल्दी से आ जाइए नहीं तो फिर आपके घर पे बना लीजिए इस तरह से पकोड़े थोड़ा सा चावल का आटा कम डालना और उसके बाद क्या बोलते हैं तो जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी रखना बस इतनी ही टिप दूंगी आपको बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है और बस बना लीजिए जल्दी से बट पहले आगे का वीडियो देख लीजिए बस यहाँ पर हम लोग खा लेंगे उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज तो कुछ भी शूट नहीं करना हुआ तो इसी वजह से ये नेक्स्ट डे का है मॉर्निंग का मॉर्निंग में इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और ये इतना फास्ट नहीं है आपको लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है फिर भी इतनी एनर्जी कहाँ से आई है इसमें तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि आप लोग बोर ना हो इसी वजह से तो यहाँ पर प्याज काट रही हूँ ब्रेकफास्ट क्या बना रही हूँ वो भी बता देती हूँ जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है उसे पापड़ा बोलते हैं महाराष्ट्र में फेमस है सूजी का बनता है पापड़ा बोलते हैं कोई कोई पापड़ा कूट बोलता है बहुत से लोग अलग अलग नाम रखते हैं उसे सूजी का बनता है मुझे बनाना नहीं आता है तो इसी वजह से हम लोग जब ससुराल जाते हैं गाँव में तब मैं आ, मशीन से बनवा के लाती हूँ मतलब मैं क्या बनवा के लाती हूँ मेरी जिठानी बना के रखती है मेरे लिए और मैं वो लेके आती हूँ और जब कभी मेरा हमारा जाना नहीं हुआ हमारा तो वैसे जाना होता ही है हमेशा बट भैया लेके आते हैं जब कभी भैया आते हैं तब तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से लेके आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्या करना है बस जैसे कि हम लोग पास्ता वगैरह बनाते हैं या माइक्रोनी बनाते हैं वैसे बॉइल कर लेना है इसे और वो स्ट्रेनर में स्ट्रेन करना है उसके बाद बस अपना मसाले वसाले प्याज में मसाले ऐड कर देने हैं और इसे उसमें डाल देना है और टमाटो वगैरह ऐड करके रेडी हो जाएगा आपका नमक वगैरह ऐड करके और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी ऊपर से ऐड कर दिया है इसके ऊपर बस इनको नाश्ते के लिए दे दूँगी तब मैंने बताया था ना आपको कि इनको नाश्ते के लिए देती हूँ तो मेरा नाश्ता इनके साथ नहीं होता है तो इस वजह से चाय रख दी है साइड में इनकी ही अकेले की प्लेट निकाल रही हूँ इनको दे दूंगी और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है तो बस चाय छान लो और चाय इनके साथ पीना हो जाता है और ये देखो गाइस यहाँ पर अभी भी मिस वैसा ही पड़ा है अगर लेडीज कुछ करती नहीं है ना तो घर पे ये जो किचन का काम है जेंट्स नहीं कर सकते हैं तो देखो ये ऐसे के ऐसा ही मेस है उधर भी वैसे के वैसा ही मेस है जैसे मैंने छोड़ा था वैसा ही मेस है दो दिन में कुछ भी नहीं हुआ है और ये यहाँ से हिला भी नहीं है सामान तो चलो कोई बात नहीं कैसा है लेडीज का काम लेडीज ही कर सकती है ये जेंट्स नहीं इस काम को हाथ लगा सकते तो इसी वजह से जो चीज मुझे जहां पर चाहिए वो मैं ही कर सकती हूँ ये चीजें यहीं पर पड़ी है तो इसे अभी क्लीन करूंगी बट अब भी नहीं जब भी भी होगा तब मुझे जब अच्छा लगेगा तब क्लीन करूंगी आप सब लोग आदवे क्या खा रहे हो पापड़ा, पापड़ा नहीं बोलते उसे पापड़ा बोलते है पापड़ कुट भी बोलते है उसे आपने अभी क्या बोला फापड़ा। पाबरा पाबरा ए टेस्टी बना है क्या हम्म? सच्ची में हाँ। सबको बुलाओ खाने के लिए बुलाओ बुलाओ ना सब एक बार सबको बुलाओ खाने के लिए आ जाओ बोलना सभी लोग आ जाओ खाने के लिए सभी सब, लोग आ जाओ खाने खिलाओ आपके हाथ से एक बार आपके हाथों से खिलाओ राइट हैंड से हम्म ये लो खाओ खाओ अरे अरे, अरे गिरा दिया हाँ हाँ बस 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 अब वो आप खा लेना <laughs> चलो खा लो बेटा ठीक है और ये दूध भी बना के लाया है मैंने आपके लिए ठीक है <laughs> बोनविट वाला तो गाइज क्या हुआ था कि मेरे जो नेक है यहाँ पर पता नहीं परसों मैं नहा के आई और ये जो नेक है इसकी नसें लग गई एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं इतना पेन होने लगा था कि ऐसे भी गर्दन नहीं कर पा रही थी और ऐसे भी गर्दन नहीं कर पा रही थी नीचे भी नहीं और ऊपर भी नहीं तो स्ट्रेट रहना पड़ रहा था मुझे तो वो जो वीडियो है लास्ट वाला आपने देखा वो तो मैंने कैसे तैसे शूट कर लिया उसके बाद तो और भी ज्यादा गर्दन पेन होने लगी आपने उसी टाइम समझ लिया था कि दी आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम वही हुआ था और भी ज्यादा गर्दन पेन होने लगी और उसके बाद तो एकदम स्ट्रेट ही रहने लगी मैं कि इधर भी नहीं मुड़ा जा रहा था और उधर भी नहीं और पेन इतना ज्यादा हो रहा था कि आपको क्या ही बताओ तो गर्दन की नसें लग गई थी यही प्रॉब्लम था और मेरा जो घर का मेस है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और उसका अभी मैं टेंशन भी नहीं लेने वाली हूँ धीरे धीरे से करूंगी क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा अब इतना ज्यादा काम पड़ा हुआ है ना तो आंखों के सामने दिखता है तो ज्यादा ही लगता है हमें और टेंशन लेने लगते हैं ना तो हाथ नहीं चलते हैं जल्दी जल्दी तो इसी वजह से अभी टेंशन नहीं लूँगी आराम आराम से करूँगी और सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा तो चलिए गाइज़ इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आप समझ जाओगे और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना तो चलिए फिर बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय ध्यान रखना अपना